अब बाहर जोरों की बारिश हो रही है और नैंटिक हमारे मूड में पानी फेर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब रिसेंटली हुपा की क्विज आई थी, आपने देखा होगा कितना इजी क्विज था, मतलब इतना आसान। हुपा की इतनी गंदा इंसल्ट किया यार, यहाँ पे इंसल्ट से भी बदतर। मतलब कम्युनिटी में शंडो फाइंड करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना ये डिफिकल्ट था हुपा का। अब मैं क्या बोलूं, ठीक है, अगर नैंटिक कोई फ्री में देना ही था तो यार कुछ कम से कम डिफिकल्ट टाइप के रखते यार, ठीक है। अब मैं इसीलिए बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ नैंटिक से। मतलब देखो, पहली बात कि कोई क्रेज नहीं रहा। जब हमने हुपा को पहली बार देखा था एक मूवी में, तो किसी ने सोचा होगा कि भाई लेजेंडरी पोकेमोन का भी क्रॉसओवर देखने को मिलेगा हमें, लेकिन हमें देखने को मिला। और वो किया किसने, हुपा ने। भले वो बड़ा वाला फॉर्म था कुछ भी, लेकिन हुपा हुपा है ना भाई। लेकिन सोचो यार, अब वो पोकेमोन की मूवी देखने के बाद सबके मन में पक्का ये रहो कि अरे भाई हुपा है भाई, एक नंबर पोकेमोन है। तो कैसे कैसे लेजेंडरी पोकेमोन को आपस में भिड़ा दिया। खैर, अब कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो कि बोल रहे हैं ठीक है ना भाई, फ्री में मिला अच्छी बात है, लेकिन यार वो चीज ही क्या जो कि आपको बहुत जल्द मिल जाए या फिर जो फ्री में मिल जाए, उसे मजा नहीं आता ना। एक मैथिकल पोकेमोन एक हुपा है यार, कुछ और दे दे तो चलता, लेकिन हुपा को आपने दे दिया इतना गंदा वाला। ठीक है, मानता हूँ ये पोकेमोन का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है बाकी पोकेमोन के मामले में। जिन्होंने जिन्होंने पोकेमोन एनिमे देखा है उनको पता होगा कि हुपा कैसा पोकेमोन है, उनके दिल में एक अलग ही रिस्पेक्ट होगा हुपा को लेकर। अब मैं इस बात के लिए नैंटिक से बहुत ज्यादा ऑफेंड हूं, क्यों किया उसने इस तरह, ठीक है, पता नहीं। और आप क्या मेरे से सहमत हो कि नहीं, प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि सीरियसली आप चाहते थे कि हुपा इस तरह आए, ठीक है, आप क्या सही में ऐसा चाहते थे। जब हमें गो फेस्ट में रिंग देखने को मिला तब हमें अच्छा लगा यार, कुछ तो नया हो रहा है अब गेम में, कुछ हमें अलग सा एडवेंचर थोड़ा सा देखने को मिलेगा। लेकिन वही बात हो गई, इतना घटिया गेम खेला नैंटिक ने कि सीरियसली हुपा इस तरह आएगा, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। खैर, अब ये तो बात रह गई, आज की वीडियो में हम हुपा को कैच करेंगे। इतना आसान था तो टास्क तो कंप्लीट कर ही लिए हमने, और बस वेट करते हैं बारिश छूटने का। ठीक है, बारिश छूटने के बाद हम लोग उसको बाहर में कैच करेंगे, तब तक आप बारिश का मजा लो। जैसा कि मैंने बोला था कि बारिश का सीजन है, तो कोई भी टाइम में बारिश हो सकता है किसी भी वक्त पे। तो अब मौसम का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, थोड़ा सा वक्त मिला है यहाँ पे, अभी बारिश हो नहीं रही है, तो हम लोग क्या करते हैं जल्दी से जल्दी हुपा को पकड़। तो चलो यार हुपा को देखते हैं, AR मोड में हम लोग इसको कैच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने नियर बाय इस जगह पे है गाइस। वेल, बारिश स्टार्ट हो गई, ले पहले बॉल में गोचा। इतना आसान था क्या ये, इतना आसान कहते आईवीज से चेक करते हैं वाला, काफ़ी अच्छा है स्केप एनिमेशन। आई वीज आप चेक करते हैं क्या है, बहुत बुरा आई वी है, बहुत ज़्यादा बुरा आई वी है, ठीक है। वेल, बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं रेन ड्रॉप्स। अब मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं निकलना पड़ेगा यहाँ से, फिर बारिश का मौसम।